नमस्ते एंड वेलकम। मैं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे रानू लौट आई हूँ आपके फेवरेट शो के साथ, जिसका नाम है वर्सेस ऑफ विजडम विद आरजे रानू, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अपने इस शो में हर वेडनेसडे रात को हम लेकर आते हैं कुछ खास बातें, कुछ अनोखे जज्बात जो जिंदगी में हमें एक नई सीख दे जाते हैं। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो भी वैसे ही बहुत खास है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही सटल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमारी जिंदगी में बहुत ही जबरदस्त है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पावर ऑफ साइलेंस के बारे में। आपने सुना होगा दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं साइलेंस इज गोल्डन। आखिर कुछ तो बात है इसमें। कभी कभी चुप रहना, किसी चीज का जवाब ना देना और बस देखते रहना ही सबसे पावरफुल एक्शन होता है। ये एक ऐसा शील्ड है जो हमें अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और स्ट्रेस से बचा सकता है। आपको पता है दोस्तों, महात्मा गांधी जी भी पावर ऑफ साइलेंस में बिलीव करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि एक दिन का मौन मेरे विचार और शक्ति को और भी मजबूत बनाता है। महात्मा गांधी जी ने हमें यह सिखाया कि पावर ऑफ साइलेंस के थ्रू हम अपने विचारों को और भी क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं। तो दोस्तों, जहां इतनी थॉटफुल चीज की बात हो रही है, जहां पावर ऑफ साइलेंस की बात हो रही है, वहां एक खूबसूरत सा गाना तो बनता ही है। एक ऐसा गाना जो हमें इनर पीस और साइलेंस की याद दिलाता है। ये गाना है अरिजीत सिंह का शायद सॉन्ग फ्रॉम द मूवी लव आजकल। इस गाने को थोड़ा आराम से सुनिए और अपने अंदर भी साइलेंस को महसूस कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने ये खूबसूरत सा गाना खूब एंजॉय किया होगा। तो चलिए फिर पावर ऑफ साइलेंस के कुछ और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। साइलेंस में बहुत ताकत होती है। ये हमें मेंटल पीस और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देती है। अगर हम अपने जीवन में पावर ऑफ साइलेंस को अपना लें, तो हम अपने रिश्तों को भी बेहतर बना सकते हैं। इतना ही नहीं, पावर ऑफ साइलेंस को अपनी जिंदगी में लाकर हम अपने डिसीजन मेकिंग पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, पावर ऑफ साइलेंस हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाती है। एक रिसर्च में देखा गया है कि जब लोग साइलेंस मेंटेन करते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी और फोकस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। गौतम बुद्धा ने भी साइलेंस को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। वो कहते थे, साइलेंस इज अ वे टू सेल्फ डिस्कवरी। साइलेंस हमें खुद को समझने में मदद करता है। जब गौतम बुद्धा ने साइलेंस को अपनाया, तो वो अपने अंदर की शांति को महसूस कर पाए और एक महान गुरु बन पाए। गौतम बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स को भी साइलेंस की प्रैक्टिस सिखाई थी और उन्हें अपनी जिंदगी में साइलेंस को अपनाने के लिए कहा था। ये चीज बॉलीवुड में भी रिफ्लेक्ट होती है दोस्तों। जी हाँ, कई बार डायलॉग से ज्यादा चुप रहना भी बहुत पावरफुल होता है। तो जो लोग हमसे अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आप लोग सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो वर्सेस ऑफ विजडम विद आरजे रानू, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो रेडियो उड़ान की बात चली है, तो थोड़ा उसके बारे में भी जान लेते हैं। रेडियो उड़ान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली पीपल विद डिसेबिलिटी को डेडिकेटेड है। आप रेडियो उड़ान को सुन सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि एलेक्सा, ट्यून इन। आप लोग रेडियो उड़ान के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ, एंड्रॉइड यूजर्स प्ले स्टोर से रेडियो उड़ान के ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो वही आईफोन यूजर्स
ऐप स्टोर से रेडियो उड़ान के ऐप को डाउनलोड करेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ फेसबुक और ट्विटर पे। रेडियो उड़ान का कोई भी प्राइम शो अगर आपसे मिस हो गया हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। YouTube पर प्राइम शो का नाम डालिए, रेडियो उड़ान का नाम डालिए और आपको शो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन शो देखते देखते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग रेडियो उड़ान के व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने शो में आगे। साइलेंस का एक और डायमेंशन भी है जिसे हम अपनी डेली लाइफ में मिस कर देते हैं, और वो डायमेंशन है पेशेंस का। अगर हम अपनी जिंदगी में साइलेंस को अपना ले तो हम हर सिचुएशन को पेशेंस के साथ हैंडल कर सकते हैं। कभी कभी चुप रहने से हम लोगों को और सिचुएशंस को समझने में ज्यादा टाइम देते हैं। इससे हमारे इम्पल्सिव रिएक्शंस भी कंट्रोल में रहते हैं। जैसे कभी अगर आप गुस्से में हो और कुछ कहने ही जा रहे हो पर एकदम से रुक जाते हैं, इससे सामने वाले को भी अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है। आपको पता है साइलेंस की टेक्निक हमारे अपने सचिन तेंदुलकर जी भी अपनाते थे जब वो इंडियन क्रिकेट टीम में थे। तो दोस्तों, अभी तक हमने साइलेंस के बारे में जो कुछ भी जाना वो साइलेंस के अलग अलग पहलू थे, जैसे कि फोकस, पेशेंस और इनर पीस। तो देख रहे हैं दोस्तों कितनी ताकत है साइलेंस में। सिर्फ चुप रहने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर की शांति को महसूस कर सकते हैं, और तो और अपने जीवन में पेशेंस के लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। आपको पता है दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी साइलेंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया है कई सिचुएशंस में। उनके अकॉर्डिंग कई बातों को इग्नोर करना और चुप रहना ही सबसे बेटर रिस्पॉन्स होता है। और सच बात है दोस्तों, जरूरी तो नहीं कि हर बात का जवाब देना कंपलसरी हो या हर बात का जवाब हमारे पास। आज के एपिसोड का मेन एसेंस यही है, साइलेंस इज नॉट अबाउट वीकनेस, बल्कि ये तो एक इनर स्ट्रेंथ है जो हमें इमोशनली और मेंटली और भी स्ट्रांग बनाती है। खुद की आवाज खुद सुनने का तरीका है साइलेंस। तो दोस्तों, ये था आज का शो वर्सेस ऑफ विजडम विद आरजे रानू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आज के टॉपिक पावर ऑफ साइलेंस से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अपनी जिंदगी में भी साइलेंस को अपनाइए और इमोशनली और मेंटली और भी स्ट्रांग बन जाइए। मैं हूँ आरजे रानू और आप लोगों को गुड बाय कहते हुए ये याद दिलाती हूँ कि कभी कभी चुप रहना यानी अपने दिल की बात अपने ही दिल से कहना, ये भी एक बहुत बड़ी पावर है। अगले वेडनेसडे फिर मिलेंगे इसी शो में एक नए टॉपिक के साथ, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा गाना जो है केके की आवाज में। गाने का नाम है हम रहे या ना रहे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड।